अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीन सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जॉब्स आई हुई हैं कुछ डिफरेंट, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब्स है, 3 सीटें टोटल इसके लिए। मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में चाहिए या आईटी में, और इसके अलावा इसमें जो है वो ये फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। उसके अलावा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सिर्फ आईटी वाले और कंप्यूटर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं अप्लाई कर सकते। उसके अलावा नेक्स्ट है जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है ये लाहौर में ही। इसमें ये भी डेटाबेस की है सीट, इसमें आईटी वाले और कंप्यूटर वाले एलिजिबल हैं, टोटल एक ही सीट है। उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें भी एक ही सीट है, ये भी आईटी और कंप्यूटर वाले, एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेवलपर है, ये भी आईटी से रिलेटेड है। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, इसमें एलएलबी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक ही सीट है ये वाली। उसके बाद है जी अकाउंट ऑफिसर, 17 ग्रेड की एक ही सीट है, और इसमें एमकॉम या एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट है जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ सीट जो हैं वो 62 पोस्ट हैं, जिसमें 48 ओपन मेरिट है, स्पेशल पर्सन कोटा 2 है, माइनॉरिटी गैर मुस्लिम के लिए 3 है, वुमेन के लिए भी 9 सीट है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट चाहिए आपका, आपने अगर एफ ए किया है, एफ एस सी की है, आई कॉम किया हुआ है, आई सी एस, अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी इंटरमीडिएट की डिग्री, जिसका आई सी एस नहीं है, जिसने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, उसका 3 मंथ्स डिप्लोमा इन एम एस ऑफिस चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जो रजिस्टर्ड हो। अगर आपने आई सी एस किया हुआ है तो आई सी एस जो है वो उसके लिए डिप्लोमा रिक्वायर नहीं है। उसके अलावा स्पीड चाहिए इसके लिए 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज इसके लिए मेल के लिए 33 या फीमेल के लिए 36 एज है। उसके अलावा इसमें जो इसमें अब जो अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और आल पंजाब बेसिस डोमिसाइल जिसका पंजाब का वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर पंजाब, किसी भी सिटी में पूरे पंजाब में आपको जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है। उसके अलावा इसमें एम एस ऑफिस एंड आई टी रिलेटेड क्वेश्चन 80% इसका सिलेबस होगा, एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट ईमेल एंड बेसिक आई टी, ये 80% इसमें होगा। 20% जो है वो जनरल एबिलिटी होगी, जिसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स है, उसके अलावा जियोग्राफी है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है एंड बेसिक मैथमेटिक्स। ओनली दोज शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट हु विल क्वालिफाई द जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट होगा उनका। उसके अलावा नेक्स्ट है जी एक पोस्ट है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, इसमें एम एस सी स्टैट चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग ऑफिसर है, एक ही सीट है, इसके लिए बी एस सी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग आर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग चाहिए। उसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई होगा, इस पे आप लोग जो है वो इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा या किसी भी बैंक एप्लीकेशन, जो बैंक की एप्लीकेशन है, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग या एटीएम, उससे आप इसकी फ़ी पे कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और लास्ट डेट जो है वो इसकी क्लोजिंग डेट 19 जुलाई है, 19 जुलाई को लास्ट डेट है, तो आप लोग इसको 19 जुलाई रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का इंटरमीडिएट है उनके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है, वो लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।